लगातार बरसात से मध्य प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। आगर मालवा जिले में लगातार हो रही बरसात के चलते कुंडलिया बांध के गेट खोल दिए गए। लगातार बरसात से पानी का स्तर बढ़ रहा था, ऐसे में अधिकारियों ने गेट खोलकर पानी छोड़ने का फैसला किया। डैम के गेट पहली बार खोले गए, ऐसे में पहले प्रशासन की मौजूदगी में पूजा पाठ भी किया गया। लगातार बरसात से एमपी के राजघर में मोहनपुरा डैम के 4 गेट खोले गए। बांध बनने के बाद पहली बार 17 गेट में से 4 गेट खोले गए, जिससे नेवज नदी का पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कुल 17 गेटों में से 4 गेट खोले जा चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के तहत लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। एमपी के खंडवा के नावली में भारी बरसात से घरों में पानी भर गया। पानी की निकासी नहीं होने से गांव वाले काफी परेशान हैं। हालात का जायजा लेने गए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर ग्रामीणों का आक्रोश फूटा। महिलाओं ने उनके वाहन का घेराव कर खूब खरी खोटी सुनाई। मध्य प्रदेश खरगोन में लगातार बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। भारी बरसात से बड़वाह के पास चोरल नदी का पानी पुलिया पर आ गया। करीब 1 फीट पानी होने के बावजूद 2 गाय और बछड़ा फंती नदी पार करते दिखे। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण कानकुंदा नदी पर बने देजला देवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के भरने के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। रतलाम में 24 घंटे की बारिश के कारण चंबल नदी के उफान पर बने रपटे पर पानी आ गया, जिससे कि आलोट सीतामऊ सड़क मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। सुरक्षा के लिए पुलिस ने दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए हैं। पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है।